हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नॉलेज हंगामा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप UPTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन से यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कौन कौन से ऐसे चैनल हैं जिनके थ्रू आप चाहें तो UPTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में सिर्फ मैं आपको एक ही चैनल का नाम बताऊंगा जिसका नाम है फिजिक्स वल्लाह अलख पांडे। तो आप चाहें तो फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप चाहें तो UPTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिसमें जो पहला चैनल है, या फिर यूँ कहिए कि जो पहले टीचर का नाम है, वो है अरविंद अरोरा सर। आप चाहें तो यूट्यूब पे अरविंद अरोरा सर के लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं और उनके थ्रू केमिस्ट्री के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नंबर टू है, वो है फिजिक्स वल्लाह अलख पांडे। आप चाहें तो इसके थ्रू केमिस्ट्री के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर थ्री, गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पूरे होल कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए आप चाहे तो इस चैनल के थ्रू केमिस्ट्री के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस पे आपको केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। ये तो बात हुई केमिस्ट्री के लिए। अब हम आपको बताते हैं मैथ के लिए और बायो के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मैथ के लिए। तो देखिए, मैथ के लिए जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैथ के लिए एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैथ्स कार्ट बाय BPS चौहान। आप चाहें तो इस चैनल के थ्रू UPTU में जो मैथ है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैथ के लिए जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है वेदांतु मैथ। आप चाहें तो वेदांतु मैथ के थ्रू UPTU में मैथ के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेदांतु मैथ में आप चाहें तो नेहा मैम के लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं बायोलॉजी के लिए। तो देखिए, बायोलॉजी के लिए भी कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनके थ्रू आप चाहें तो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें से जो सबसे अच्छा और नंबर वन पे है, वो है बायोमेंटर्स। आप चाहें तो बायोमेंटर्स के थ्रू UPTU में बायोलॉजी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बायोमेंटर्स पे आप गीतेंद्र सर के लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं। गीतेंद्र सर के लेक्चर वीडियोस के थ्रू आप चाहें तो बायोलॉजी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर टू, वेदांतु मेड इजी चैनल। आप चाहें तो इसके थ्रू भी UPTU में बायोलॉजी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर थ्री, SB मैम। YouTube पे कोई एक SB मैम करके हैं, आप चाहें तो उनके भी लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं। ये सब YouTube चैनल आप ही लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है, आप ही लोगों ने बताया हुआ है। फिर उसके बाद नंबर फोर, अगर आप हिंदी में सभी लेक्चर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी इन हिंदी। ये विकास सर इस पे पढ़ाते हैं, मतलब इस YouTube चैनल पे विकास सर पढ़ाते हैं। आप चाहें तो इनके लेक्चर वीडियोस भी देख सकते हैं। तो यही कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसके थ्रू आप चाहें तो UPTU इंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी अच्छा यूट्यूब चैनल नहीं मिलता है तो आप चाहें तो डायरेक्टली सर्च करके ही पढ़ सकते हैं। मतलब जो भी आपका कोर्स है, उसका जो भी सिलेबस है, उनके जो भी टॉपिक है, उसको आप डायरेक्ट उठाइए और यूट्यूब पर सर्च मार दीजिए। और वहीं पर कुछ लोग UPTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो अगर आप भी UPTU में पूछे गए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो आप चाहें तो मेरे कई सारे वीडियोज हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसमें कि मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि आप UPTU के उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। उन सभी वीडियोज का लिंक आई बटन में गिवन है, आप चाहें तो यहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। या फिर कुछ लोग UPTU में प्रिपरेशन बुक के बारे में भी पूछते हैं, मतलब पूछते हैं कि UPTU इंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन से बुक को परचेस करें, कौन सा बुक मंगाएं। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप बुक मंगाएं तभी जाके आपका प्रिपरेशन सही से होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो भी बुक आपके क्लास ट्वेल्थ में था, आप चाहें तो उसी बुक के थ्रू UPTU इंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, ऑनलाइन लेक्चर वीडियोज हैं, आर्टिकल हैं, तमाम हैं। उसके बाद फिर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। आप चाहें तो इन सभी कंटेंट के थ्रू, आप चाहें तो इन सभी स्टडी मटेरियल के थ्रू अच्छे से UPTU इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी के थ्रू UPTU टॉप कर सकते हैं, नंबर वन ला सकते हैं, फर्स्ट रैंक सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से आप इसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी, इन दो चीज़ों को बरकरार रखते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है किस तरीके से आप डेली पढ़ाई करते हैं, और पेशेंस का मतलब है कि आप घबराते नहीं हैं, मतलब ये नहीं करते हैं कि जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे, या फिर जिस लिए आप पढ़ रहे हैं जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाए, जल्दी से आपका एग्जाम होने लगे। इसका आपको पेशेंस रखना होगा, आपको मान के चलना होगा कि एग्जाम जब होना है जब होना है, जब रिजल्ट आएगा तब आएगा, उसके पहले आपको प्रिपरेशन करना है, आसानी से करना है, इस पर आपको फोकस करना है। यही चीज़ें आपको मैटर करती है और बाकी कुछ भी नहीं करती।